आप सभी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल टीएच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिक होम थिएटर रिपेयरिंग के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो ये जो है मेरे पास एक होम थिएटर आया हुआ है, इसका जो है सब पार्ट्स वैसे सही है, मतलब कि इसका जो मेन पार्ट होता है मतलब कि बोर्ड, होम थिएटर का बोर्ड सही है, वूफर सही है, बस ये जो है मतलब वॉल्यूम कंट्रोलर वगैरह में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं उसको मैं आज आप लोगों को सॉल्व करने बताने वाला। फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए शायद हम लोग जो है इसे दो तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग इसका फ्रंट से रिपेयरिंग शुरू करेंगे, मतलब कि जो है इसका वॉल्यूम, मतलब आप लोग जब कम ज्यादा करते हो तो जो घरघराहट आता है या फिर एक साइड स्पीकर बंद होकर एक साइड बस चालू रहता है, वो सब प्रॉब्लम को जो है मैं आज सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो ये जो है ब्लूटूथ यूएसबी सब मतलब फुल फंक्शनिंग होम थिएटर मेरे पास आया हुआ है, और इसमें जो आप लोग देख सकते हैं ये 4-5 इंच का वूफर लगा हुआ है, और ये जो है यहाँ पे 4.1 लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, तो चलिए इसे अभी ओपन कर लेते हैं सामने से। तो अभी मैं आप लोगों को इसका जो है वॉल्यूम कंट्रोलर चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे टाइप से आप लोगों को खोल देना है, और नहीं खुलेगा तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर लगा के ऐसे ऊपर से नीचे कर। तो अभी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर में ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का बेस ट्रेबल का जो कंट्रोलर लगा हुआ है, और यहाँ पे प्ले पॉज का यहाँ पे बटन लगे हुए हैं, यूएसबी का यहाँ पे किट लगा हुआ है, और ये जो आप लोग देख सकते हैं ब्लूटूथ का ये जो है रिसीवर है, और ये आपका वॉल्यूम कंट्रोलर, और उसके साथ ये एलईडी के वायर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के होम थिएटर में भी अगर आप लोग वॉल्यूम कंट्रोलर को खोलेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा ही मिलेगा, जो कि ये 6 पिन वाला कंट्रोलर रहता है। तो उसको जो अपन लोग यूज करने वाले हैं डुअल टोन कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डबल पीसीबी लगा होता है, तो इसको ये डुअल टोन पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। तो इसको आज हम यहाँ से रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला फ्रेंड्स जल्दी खराब होता है, ये 6 पिन वाला, और बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इसी को आज हम चेंज करने वाले हैं। कैसे करेंगे मैं आप लोगों को सिंपल डायग्राम समझा देता हूं इसका। तो अगर हम इसे पीछे करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का ये वाला डायग्राम। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये पीसीबी को पलटेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है अपना पोटेंशियोमीटर के 6 वायर्स हैं। ठीक है, पतले पतले 6 वायर्स हैं, तो इसको तो छोड़ दीजिए आप, ये ग्राउंड का है और यहाँ पे वायर लगा भी नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वायर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक वायर यहाँ का गायब है। ये जो है इसके पिन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये जो है फ्रेंड्स ये 6 पिन आप लोग देख सकते हैं ये इस पोटेंशियोमीटर के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका वायरिंग कैसे होगा चलिए अभी समझ लेते हैं। तो आप लोग जैसा कि ये डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं, मैंने एकदम क्लियरिटी से बनाने का कोशिश किया है। आप लोग जैसा कि देखेंगे तो ये वाला जो इसका है, आप लोग देखेंगे ये वाला जो इसका वायर है फ्रेंड, ये लेफ्ट आउट का है, और फिर उसके आगे जस्ट बढ़ेंगे तो ये राइट आउट का है, और फिर उसके आगे राइट इन का है, और फिर ये 2 ग्राउंड है। आप लोग देखेंगे ये 2 ठोक जो है ग्राउंड है, दोनों मिला हुआ है। आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से ये व्हाइट वायर में है। ठीक है, और जो सबसे कोने वाला है वो है आपका लेफ्ट इन। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका लेफ्ट आउट हो गया, फिर राइट आउट हो गया, फिर राइट इन हो गया, फिर 2 ठोक ग्राउंड हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों का लेफ्ट इन। और ये जो डायग्राम हमारा बना है फ्रेंड्स, ये पीछे के साइड, पीछे साइड कैसे होता है, जैसे आप ये घुमाने वाला साइड है तो उसको ऐसे पीछे रखेंगे तो आपका ऐसे 6 पिन का ऐसा गिनती आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसी हिसाब से डायग्राम है, कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अभी हम उसी हिसाब से जो है 6 पिन में इसकी वायरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो है हम ये 6 पिन वाला जो ये आता है डुअल टोन, इसकी भी वायरिंग समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये इसका पीछे से है। पीछे से डायग्राम बनाना फ्रेंड्स इजी पड़ता है, इसलिए हम पीछे से ही बनाते हैं। तो आप लोग देखेंगे पीछे से अगर, तो आप लोगों को ये साइड जो है सबसे राइट साइड आप लोगों का ग्राउंड रहेगा, सबसे लेफ्ट साइड आप लोगों का आउट रहेगा, बीच में आप लोगों को इनपुट देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आउटपुट आप लोग इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इस साइड से घुमाएंगे तो ये इस साइड अगर ज्यादा जाके शॉर्ट होगा तो इस साइड आप लोगों का आउटपुट निकलेगा, वरना आप लोगों को ऐसे उल्टा घुमा के इसको वॉल्यूम तेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक एक करके वायरिंग, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इसमें 6 पिन है और यहाँ पे 5 वायर्स कैसे लगे हैं, क्योंकि फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है 2 पिन से ये जो है एक ही वायर शॉर्ट हुआ है। तो इसमें भी अगर आप लोग 6 पिन वाले में भी लगाएंगे तो भी ऐसा ही होगा फ्रेंड्स, कि इसमें भी 5 ही वायर्स लगेंगे, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ये जो एक ग्राउंड की साइड है ये यहाँ पे दोनों पिन शॉर्ट होती है। ठीक है, आप लोग चाहें तो अलग अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ से आप लोगों का सेंटर का ये जो 2 पॉइंट है आप लोग देखेंगे, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों से आप लोगों का इनपुट आएगा, और ये साइड साइड से आप लोगों का यहाँ से ऐसे आउटपुट निकलेगा, और यहाँ से आप लोगों का ग्राउंड। तो चलिए वैसे ही कनेक्शन कर लेते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये 3 इनपुट की वायर जो है हमारा ये बॉक्स में से आ रही है, और ये जो 2 आउटपुट की है लेफ्ट और राइट आउटपुट की है ये यहाँ पर पिन में लगी हुई थी, तो इसको मैंने निकाल लिया। तो अभी जो है हम इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सोल्डरिंग करते टाइम अगर मैं दिखाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने जो है डायरेक्ट सोल्डरिंग करके ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोगों का सोल्डरिंग होगा, और फ्रेंड्स सोल्डरिंग आप लोगों को एकदम नीट एंड क्लीन करना है,
क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने ये साउंड वर्क का मामला है फ्रेंड्स एकदम कम फ्रीक्वेंसी में जो है साउंड यहाँ से निकलती है, तो अगर आप लोग जो है अच्छे से सोल्डरिंग नहीं करेंगे एकदम वहाँ एकदम कुछ कुछ निकला रहेगा तो आप लोगों को जो है साउंड क्वालिटी वैसे ही होम थिएटर का खराब हो जाएगा। और फ्रेंड्स ज्यादातर मैं आप लोगों को बता दूं कि होम थिएटर या एम्पलीफायर में ये कंट्रोलर या उनके वायरिंग की वजह से ही जो है हमिंग वगैरह या साउंड वगैरह खराब होता है। तो फ्रेंड्स कई लोग मेरे से पूछते हैं क्योंकि हमिंग वगैरह आ रहा है तो इसी वजह से फ्रेंड्स आता है कि अगर आप लोगों ने अच्छे से वायरिंग नहीं किया तो उसी की वजह से आ सकता है। और फ्रेंड्स जैसा कि अभी हम लोगों ने वॉल्यूम तो चेंज कर लिया लेकिन अब जो है यहाँ पे ट्रेबल या बेस भी आप लोगों का खराब हो सकता है, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रेबल बेस कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सारे नट्स को हमको खोल लेना है। तो ठीक है फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो अभी जो है मैं ये बेस वाला चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे ट्रेबल वाला मेरा सही है जो कि ये है ट्रेबल वाला, तो आप लोग देख सकते हैं ये भी 6 पिन वाला है। तो आप लोग अगर ऐसा वाला लगाना चाहते हैं तो जैसा इसमें वायरिंग था वैसा ही इसमें होगा, और अगर आप लोगों को ऐसा वाला मिल जाता है तो ऐसा भी लगा सकते हैं। मेरे को नहीं मिला है, मेरे को 3 पिन वाला मिला है जो कि बेस के लिए, तो मैं यहाँ पे बेस को चेंज कर देता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, ये आता है ऐसा टाइप का B100 के लिखा हुआ है इसमें, और ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 5 रुपए का मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन परचेस करेंगे थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन दूंगा कि मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जो है मैं इसे सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर आगे आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये दोनों को निकालना है और फिर ये तीनों पिन को निकाल के और फिर वो निकल जाएगा आपका, और फिर इसको सोल्डरिंग कर देना सिंपली। तो चलिए मैं आप लोगों को फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये जो है मैंने निकाल दिया है और यहाँ पे जो है नया वाला फिट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं इसको मैं पीछे दिखाऊं। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो है थोड़ा सा प्रिंट निकल गया था तो यहाँ से मैंने पिन से तार को निकाल के डायरेक्ट यहीं पे सोल्डरिंग कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जो है मैं इसे फिट कर लेता हूँ, फिर जो है इसे टेस्ट फ्रेंड्स मैं अभी जो है आप लोगों को इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो है वॉल्यूम कंट्रोलर है, वहाँ पे लाइट जल रहा है, मतलब ये होम थिएटर चालू है। मैं आप लोगों को इसके पीछे दिखा देता हूँ, ये मैंने जो है ऑक्स केबल लगाया हुआ है और ये 2 स्पीकर के आउटपुट है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी इसे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, मोबाइल से सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा जो है ये वॉल्यूम कंट्रोलर काम कर रहा है, और जो अच्छे से इसमें जो है साउंड कम ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल भी गड़गड़ाहट वगैरह नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स यही वायरिंग को फॉलो करते हुए आप लोग जो है अपने होम थिएटर का भी जो पोटेंशियोमीटर चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और भी इसी होम थिएटर से रिलेटेड और वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन होगा उससे भी ऑल पे कीजिए ताकि आप लोगों को होम थिएटर से रिलेटेड और ऐसी जानकारियां इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हमेशा मिलते रहे। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।